Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Find light in the beautiful sea Hello my YouTube fam welcome back to my channel If you are new to my channel then let me introduce you myself Raki and I make videos on DIY and traveling when I started my channel, I decided that I will make videos on gardening. So, guys, here it is. I'm presenting today my first video on gardening. So, let's go ahead and check out what's there. In this video, I'm sharing my experience that how do I make compost for my plants at my home, so that you guys also make it if you want. Here I'm using a thermocol box. for the decomposition process of my kitchen waste. If you want, then you can use that matka और कोई भी मिट्टी का बर्तन आप use कर सकते हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने बॉक्स के नीचे एक और जो उसका ड्रेनेज निकलेगा उसको कलेक्ट करने के लिए एक उसका बॉक्स का जो लिट था उसका ढक्कन वो मैंने रखा और उसके बाद में मैंने उसमें जो उसका जो सरफेस है उसमें क्या कहते हैं छेद के जिससे कि एरेशन हो प्रॉपर जब हम होल्स करेंगे तो हम एक चीज़ ध्यान रखने वाली उसमें ये है कि जो होल्स सरफेस एरिया पे थोड़े से बड़े करेंगे और ऊपर थर्माकोल के जो नीचे से ऊपर वाला हिस्सा है उस पर हम थोड़े थोड़े छोटे जो होल्स हैं वो करेंगे जिससे कि नीचे के थ्रू क्या होगा जो हमारा जो डिकम्पोजिशन का जो जितना भी जो ड्रेनेज है वो निकलेगा जो कि बहुत ही न्यूट्रीशियस होता है हमारे प्लांट्स के लिए उसे कॉम्पोस्ट टी बी कहते हैं और जो ऊपर वाले जो होल्स हैं उनके थ्रू प्रॉपर एरेशन होगा होल्स लगभग आप एट टू टेन कर सकते हैं दैट मच इज इनफ नेक्स्ट अब जो हमारा कंपोस्ट बिन है उसमें हम जो अपना किचन का वेस्ट है वो हम डालेंगे किचन वेस्ट में हमारा जो कुक्ड अनकुक्ड सब आ जाता है यहाँ पे हम जो एसिडिक चीज़ें हैं जैसे लेमन हो गया या फिर विनेगर इस टाइप की चीज़ ये नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो है कंपोस्ट की डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है उसको डिले करेगा हम अपने कंपोस्ट में कर्ड भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर देंगे नेक्स्ट बारी आती है ड्राई वेस्ट की ड्राई वेस्ट में जैसे सूखी पत्तियाँ हो गई या अनियन के पील हो गए ये हम इसमें ऐड करेंगे इससे ऐड करने से क्या होगा कि अगर जो स्मेल आ रही है वो आना कम हो जाएगा प्लस ये हमारे कंपोस्ट के कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन करेगा और जो नाइट्रोजन जो कि हमें किचन वेस्ट से मिल गया है और कार्बन हमें इन सूखी लीव्स की हेल्प के थ्रू मिलेगा अगर हमारे कंपोस्ट में से स्मेल आ रही है तो हम उसको किसी भी स्पैचुला या वुडन उसकी हेल्प से चला लेंगे जिससे क्या होगा कि उसमें एयर फ्लो होगा अगर उसमें स्मेल आ रही है तो इसका मतलब उसमें एनरॉबिक प्रोसेस हो रही है तो क्या के कहते हैं अगर और इसको हम चला देंगे तो उसमें थोड़ा एयर फ्लो होगा जिससे कि स्मेल जो है वो आना बंद हो जाएगा और अगर स्मेल आ रही है ज़्यादा तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है मतलब किचन वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है उसके लिए हम कार्बन मतलब जो सूखी पत्तियाँ हैं वो ऐड करेंगे जिससे कि स्मेल भी नहीं ज़्यादा आएगी और जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा वो प्रॉपर होगा कर्ड ऐड करने के अलावा हम इसमें सूखी मिट्टी वो भी ऐड करेंगे इस प्रोसेस में मेन रोल है टेम्परेचर और मॉइस्चर का डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के लिए हमें थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए पर यहाँ पे वार्म का मतलब ये भी नहीं कि आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दें आप उसको अपने बालकनी के साइड पोर्शन में या फिर जो आपका गार्डन है उसके साइड में रखें वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जो हमारा कंपोस्ट होता है उसमें छोटे छोटे कीड़े भी पड़ते हैं तो वो हेल्पिंग कीड़े हैं यू कैन सी दीज इंसेक्ट्स ऑन द एज ऑफ द कम्पोस्ट पिन ये जो इंसेक्ट्स हैं ये फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं जिससे कि जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वो फुलफिल हो पाती है तो उससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दे आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस कॉम्पोस्ट बनने की पूरी प्रोसेस में एटलीस्ट टू टू थ्री मंथ्स लग जाते हैं हेयर यू कैन सी आर कंपोस्ट इज रेडी अब हम इसे अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं हेयर इज़ द रिजल्ट ऑफ माई ऑर्गेनिक कंपोस्ट ये मेरा कैप्सिकम का प्लांट है और इसमें आप छोटे छोटे फ्लावर्स आने लगे हैं और इसके बाद में इसमें जो कैप्सिकम निकलेगी फी मोर आर देयर आई वॉन्ट शो यू गायट वॉज द टूडेज वीडियो Give it a try. By using this method you can save your money along with that you are producing like a organic compost at your home and reducing waste also. Shine like in the end if you like this video please like, share and subscribe my channel. See you soon in the next video. TADA